हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंगर ए। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके तरफ से नया वैकेंसी आया हुआ 2023 का। इसमें आपका कोई भी 10th पास, 12th पास, सभी के सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 163 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 63,000 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पे आपको सैलरी मिल सकती है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है, बिल्कुल मिस मत करना, जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 6 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं, 31 मार्च 2023 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। सबसे पहला पोस्ट है इसमें आपका साइंटिस्ट बी, 62 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर 6 पोस्ट का वैकेंसी है, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 1 पोस्ट का वैकेंसी है, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 16 पोस्ट का वैकेंसी है, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। टेक्निकल सुपरवाइजर 1 पोस्ट का, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। असिस्टेंट 3 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, मतलब 35,400 रुपए आपका बेसिक पे होगा और 63,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। जूनियर टेक्नीशियन 3 पोस्ट का, 18 से 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 15 पोस्ट का, 18 से 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। अपर डिवीजन क्लर्क 16 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, 18 से 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 3 पोस्ट का वैकेंसी, 18 से 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 15 पोस्ट का वैकेंसी, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। लोअर डिवीजन क्लर्क 5 पोस्ट का वैकेंसी, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। फील्ड अटेंडेंट 8 पोस्ट का वैकेंसी है, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ 7 पोस्ट का वैकेंसी है, 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, SST पास साल, OBC 3 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, साइंटिफिक बी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में। सिविल केमिकल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 34 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस IT इसके लिए 4 पोस्ट है, ठीक है। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपने मास्टर डिग्री किया है केमिस्ट्री में सारे के सारे ब्रांच, या एनवायरमेंटल साइंस में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी 24 पोस्ट है। अगर आपने नेट क्वालिफाइड किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बात करते हैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए, क्योंकि बाकी के पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये सारे फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपके पास जो है डिग्री होना और आपकी टाइपिंग स्पीड होना 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की अगर हम बात करूँ, आपके पास डिग्री होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसमें आप देख सकते हैं 8,000 की डिप्रेशन पर आवर, इससे कम नहीं होना आपकी स्पीड। उसके बाद जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 12th साइंस होना, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क 12th पास होना और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना। फील्ड अटेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ तो 2 आवर की जो एग्जाम है उसके लिए आपको 1,000 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करना होगा। 1 आवर के एग्जाम के लिए आपको 500 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करना होगा। बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट, इनको 250 रुपए लगेगा 2 घंटे के एग्जाम के लिए और 150 रुपए लगेगा 1 घंटे के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो किसी भी कैटेगरी के हो, आपको 250 रुपए लगने वाले हैं 2 घंटे वाली टेस्ट के लिए और 150 रुपए लगने वाली है 1 घंटे वाली टेस्ट के लिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कोई भी TA DA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर आप रिटर्न टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाते हो तो। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो OMR या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे आपका सिलेक्शन होने वाला है और आपका इंटरव्यू होगा ओनली साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। मेरिट लिस्ट जो है रिटर्न एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट के बेस पे होगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कुछ का मैं बता दे रहा हूँ। असिस्टेंट का देख सकते हैं 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा और देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड एनवायरमेंटल GK इंग्लिश मैथ्स NCERT से पूछा जाएगा। फिर अपर डिवीजन क्लर्क के लिए देख सकते हैं 1 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश एनवायरमेंटल GK इंग्लिश मैथ्स रहेगा NCERT का। बाकी जितने भी पोस्ट आपको दिख रहे हैं उनमें यही पैटर्न होने वाला है, तो आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कहाँ पे सेंटर होगा, किस सेक्शन के कितने क्वेश्चन होंगे, ये भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डिटेल जानकारी आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो यही आपको अपडेट देना था, आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।